जय हिंद। देखिए, निज्जर की हत्या के बाद वैसे ही भारत और कनाडा के रिश्ते खराब चल रहे थे। अभी कई ऐसे मोड़ आए जिसमें और भी भारत और कनाडा के रिश्ते खराब होते चले गए। और दूसरी सूचना देखेंगे हम लोग कि बीपीएससी वाले बैच के बच्चे जो ऑलरेडी दरोगा सेलेक्टेड है, उनके लिए नेक्स्ट बैच में उनके अलग सेपरेट बैच बना के उनके लिए क्या क्या किया जाएगा। तो पहले समझते हैं, देखिए निज्जर की हत्या कर दी जाती है, इसके लिए कनाडा बहुत भड़कता है क्योंकि भारतीय, इनका कहना है कि ये भारतीय मूल के थे लेकिन कनाडा के नागरिक थे, इनकी हत्या में भारत का साथ है। इन्होंने बताया था यहाँ पे, जबकि उसी दौरान एक गुरुपतवंत सिंह पन्नू, एक बड़ा कंट्रोवर्सियल बयान आता है और इसकी एक एसेसिनेशन की एक नाकाम कोशिश होती है, जिसमें होता क्या है कि एक हिटमैन हायर किया जाता है, जो ऐसा पता चलता है कि वो अमेरिका का ही एफबीआई का एजेंट था, जो सारी बातें बता देता है। जब इसकी जांच होती है तो ऐसा कनाडा और अमेरिका का कहना है कि निखिल गुप्ता नाम के एक व्यक्ति ने पैसे देकर मर्डर कराने की कोशिश की थी, लेकिन जिसको पैसे दिए गए थे वो एफबीआई का एजेंट निकला था। यहाँ पर निखिल गुप्ता की गिरफ्तारी चेक गणराज्य से कर ली जाती है और इसके बाद पता चलता है कि कोई विकास यादव नाम का कोई व्यक्ति के बारे में इनकी जांच में पता चलता है। तो अमेरिका और ने अपने एफबीआई में मोस्ट वांटेड में डाल दिया है विकास, क्या चीज है, मर्डर के लिए है, मर्डर के लिए, हायरिंग करने के लिए, कॉन्स्पिरेसी के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। अब इनके तीन फोटोज यहाँ अवेलेबल है। ऐसा कहा जाता है कि ये पहले फॉर्मर रॉ एजेंट भी रह चुके थे, भारत का कहना है कि अब ये रॉ एजेंट में नहीं है, फिलहाल दिल्ली पुलिस के गिरफ्त में है। ये सारी घटनाओं के बाद कनाडा, अमेरिका और ये सब एक हो गए और भारत को कहने लगे कि ये घटनाएं भारत के लिए, भारत सही नहीं कर रहा है, भले ये अमेरिका के, भले ये जापान पे परमाणु बम गिरा दे, ये सही कर रहे हैं, पूरा इराक उड़ा दिए वो सही है, पूरा सीरिया उड़ा दिए वो सही है, एक साल से हमास, इजराइल, लेबनान, ईरान, यमन चल रहा है वो सही है, यूक्रेन में लड़ाई हो रहा है वो सही है, वियतनाम पे 27 करोड़ बम गिरा दिए वो सही है, लेकिन भारत अपना चुपचाप टुकड़ा करा ले ये यही चाहते हैं। अभी भी जिनको लगता है कि यूरोप वाले हमारे दोस्त हैं, अभी भी अपनी आंखें खोल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या है। कनाडा के राष्ट्रपति आते हैं और भारत पे एलिगेशन लगाना चालू करते हैं और इन्होंने जांच जो किया उसमें भारतीय राजदूत का भी नाम जोड़ दिया। अब भारतीय राजदूत का नाम जोड़ लिया कि ये लोग भी इस हत्या के आरोप में या फिर इस कंस्पिरेसी में ये लोग शामिल थे और इनकी विदेश मंत्री कहती है कि हाँ इनके ऊपर हम उचित कार्रवाई करेंगे। भाई विदेश मंत्री, आप फाउंडेशन क्लास कीजिए, आप, हम आपको क्लास में बता देंगे कि वियना संधि के तहत किसी राजदूत के ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती, वहां की पुलिस भी कह रही है, सब क्लास वलास नहीं किया है सब, यहाँ पर जिसके ऊपर ऊपर एफआईआर कर देगा सब, यहाँ पे वियना संधि के तहत किसी राजदूत के ऊपर एफआईआर नहीं किया जा सकता। लेकिन इस घटना केवल नाम दे जाने की वजह से भारत इसका विरोध दिखाते हुए अपने राजदूत को वापस बुला लेते हैं और कहते हैं कि कनाडा से अब रिश्ते एकदम खराब होने के कगार पे पहुंच गए हैं। और यहां राजदूत होता है, किसी भी दो देशों के बीच संबंध को राजदूत ही स्थापित करता है, जब राजदूत एंबेसडर ही नहीं रहेगा तो कोई आदान प्रदान बातों का नहीं हो पाएगा, लेकिन ट्रूडो चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। यहां से तो कनाडा ने अपने राजदूत वापस बुला लिए, कनाडा से हम लोग ने राजदूत वापस बुला लिए हैं और जो कनाडा के राजदूत भारत में थे उन्होंने भी कह दिया कि जाओ भैया तुम लोग का यहाँ कोई काम नहीं है। भारत ने अपने राजदूत को वापस बुलाया तो अमेरिका और वेस्टर्न मीडिया है वो ये छाप रहा है कि कनाडा ने वापस भगा दिया। अरे हम लोग वापस बुलाए हैं, कोई भगाया नहीं है, और हमारे देश में जो न्यूज चैनलों पे विस्कन्याएं हैं उनकी उतनी पहुंच नहीं है अभी ये लोग। हाँ आप बताइए, चार गो बकलोल को बैठा के हाँ आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या कह देते हैं, ना खौर ना पतवार हो जनेन प्रधान, तो हमारे मीडिया में क्या होता है, यही सब चीजें तो हो रही है हमारे यहाँ पे। हमारी मीडिया के पहुंच इंडिया के बाहर है ही नहीं है, पूरा दुनिया चौपट हो जा रहा है, न्यूज सुन के देखिएगा तो ऐसा लगेगा आप सिंगापुर में बैठे, तो हमारी मीडिया नहीं पहुंच पा रही है और भारत की वहां बाहर में बड़ा छवि खराब कर रहे हैं सब यहाँ पे। हालांकि ऐसी घटना एक बार और हुई थी 2013 में, देवयानी खोबरागड़े को वहां की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, ये हमारी राजदूत थी यहाँ पर देवयानी खोबरागड़े, उन्हें अरेस्ट नहीं करना चाहिए था वियना कन्वेंशन के हिसाब से, लेकिन बावजूद उन्हें अरेस्ट कर लिया था। आप समझिए राजदूत का पावर क्या होता है कि राजदूत को अरेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा इन लोग की हिपोक्रेसी देखिए, ईरान का राजदूत बैठा था सीरिया में, ईरान का राजदूत सीरिया में बैठा था, इसराइल ने बम गिरा दिया, तो भाई इसराइल ने बम गिरा दिया, ये अपने सेफ्टी के लिए कुछ भी कर सकता है, तो भाई जब इसराइल को अधिकार है अपनी सेफ्टी का करने के लिए तो भारत को क्यों नहीं अधिकार है अपनी सेफ्टी के लिए काम करने के लिए। तो लेकिन भारत के लिए ये लोग नियम लगाते हैं, ये मतलब इनका अपना है, या अंग्रेजों के लिए कोई नियम नहीं होता है यहाँ पर। अब ये सब अपना एक ग्रुप बनाया है, सब फाइव आईज, पांच को मिलके, पांच देश मिलके
फाइव आईज बनाए हैं सब, कि मतलब कुछ भी होगा हम लोग थुथुर पे लाठी रोक लिया जाएगा, हाँ 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 करके चिल्लाएंगे हम लोग, एक ही जगह हो जाएंगे लोग पांचों लोग मिलकर। कौन है भैया? कनाडा अमेरिका है यहाँ पर इस एरिया में, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है, और ये ब्रिटेन है यहाँ पर। यही मोदी जी गए थे तो मोदी जी को बॉस कहा गया था। भारतीय मीडिया देख लो यहाँ पर, अभी बॉस कह रहा था, अभी भारत से कह रहा है कि नहीं कनाडा से संबंध अच्छे करने चाहिए, भारत को अपनी छवि सुधारनी पड़ेगी, भारत को अपने काम करने के तरीके बदलने पड़ेंगे, यही वाले हैं सब यहाँ पर। तो ये फाइव आईज एक हो गए हैं सब और भारत को नसीहत दे रहे हैं सब। अब कनाडा में ये सारा चीज इलेक्शन की वजह से हो रहा है। अब समझिए कनाडा के जो डेमोग्राफी देखते हैं हम लोग यहाँ पर, तो कनाडा की अगर आप टोटल आबादी देखेंगे उसमें लगभग 4 करोड़ 4.25 करोड़ के आसपास आबादी मिलेगी। इस आबादी में सबसे ज्यादा प्रतिशत ईसाइयों का है, उसके बाद हिंदू के 2.5% है, और ये सिख जो है ये सिख लगभग 2% है। अब जस्टिन ट्रूडो चाहते हैं कि ये सिख पॉपुलेशन उन्हें वोट करे, हालांकि वहां पर हिंदू 2.5% है, मुस्लिम 5% है, तो ये वो चाहते हैं कि उन्हें सिख का समर्थन मिल जाए। अब यहां जो पार्टीज को देखा जाएगा अगर कनाडा में, तो कनाडा में संसद भवन में टोटल 338 सीट है, 338 यानी 338 में बहुमत के लिए आपको 170 चाहिए, आधा सीट यानी 170 सीट चाहिए तब जाके बहुमत आएगा। तो 170 सीट के लिए यहां अलग अलग पार्टी है, जस्टिन ट्रूडो जो है उनकी लिबरल पार्टी 156 सीट है, तो 156 सीट पे ये सरकार नहीं बना सकते, 170 सीटों की जरूरत होती है, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी के पास 118 है, तो दोनों लोगों के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, इसलिए इन्हें गठबंधन की जरूरत पड़ती है। अब ब्लॉक पार्टी के पास 32 सीट है और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 24 सीट है। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जो है ये खालिस्तानी सपोर्टर पार्टी है यहां पर, और इनकी इन्हीं के सपोर्ट से इनकी सरकार चल रही थी जब इनका गठबंधन था, तो इनके पास न्यू डेवलपमेंट पार्टी से जब गठबंधन डेमोक्रेटिक पार्टी से था तो इनके पास 180 सीटें थी गठबंधन की वजह से, तो 170 चाहिए, 156 इनका 24 इनका, तो 180 हो जाता था, लेकिन अभी इनसे गठबंधन टूट गया तो इन्हें मजबूरी में ब्लॉक से गठबंधन करना पड़ा, तो जब ब्लॉक पार्टी से किए तो 188 हो गया, यानी अभी तो जैसे तैसे इन्होंने सरकार बचा लिया जस्टिन ट्रूडो ने, लेकिन जब इलेक्शन है अगले साल तो इलेक्शन में देखा जाएगा कि ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा समर्थन मिले। लेकिन भारत के लोग ये ना सोचे कि सरकार बदल जाएगी और लिबरल पार्टी की जगह कंजर्वेटिव पार्टी आ जाएगी तो इन लोगों की चीजें चेंज हो जाएंगी, ऐसा चेंज नहीं होगा। ये लोग हमेशा से दूसरे हर देशों को, जैसे वो चाइना को बढ़ा रहा है, चाइना के बदले में इंडिया को तैयार कर रहा है, एक समय था इंडिया को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को तैयार कर रहा था, तो बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं आएगी। हाँ, लेकिन ट्रूडो के नहीं रहने से ये जो बदतमीजी हो रही है तो ये बदतमीजी सुधर जाएगी यहां पर, क्योंकि ना कुछ चीजें जब ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं तो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो पाता है। तो जस्टिन ट्रूडो अगर नहीं रहते हैं तो थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाएगा यहाँ पर, हालांकि कंजर्वेटिव पार्टी से भी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लगाया जा सकता है। अब भारत को इसके जवाब के लिए ब्रिक्स देशों को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि ब्रिक्स में वही देश है जो कनाडा और अमेरिका की आंख में खटकते हैं, इंडिया है, चाइना है, रशिया है, ये मेन कंट्रोलिंग पावर है यहाँ पर ब्रिक्स देशों में। और यहाँ पर G7 देखेंगे तो G7 की मीटिंग कनाडा में होने वाली है, ऑब्वियस बात है कि भारत कनाडा में G7 की मीटिंग लेने नहीं जाएगा, और अगर चला गया तो शर्म की बात है भाई, क्या जरूरत है जाने की, आपने राजदूत वापस बुला लिया और बदतमीजी से बतिया रहा है, क्या जरूरत है वहां पे। और G7 के बदले हमें ब्रिक्स को इतना हाइप देना चाहिए, इतना हाइप कि G7 ऑटोमेटिक कंट्रोल होने कमजोर होने लगे, इससे अमेरिका को दिक्कत होगा, क्योंकि G7 7 शक्तिशाली देशों का समूह है जिसका लीड कर रहा है अमेरिका, लेकिन यह पतन के कगार पे है, और यह जो ब्रिक्स है यह उभरते हुए शक्तिशाली देशों का समूह है, इसको लीड कर रहे हैं सब तीनों देश, इंडिया, चाइना और रशिया यहां पर। तो ब्रिक्स जाएगा तो G7 की वैल्यू घटेगी, अभी दोनों बराबरी पे चल रहे हैं सर लगभग लगभग, लेकिन G7 अपने डाउनफॉल की ओर बढ़ रहा है, तो ब्रिक्स को देखेंगे तो ये अपने अपवर्ड के डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो इसी को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये इन्हें छोड़ दिया जाएगा तो अमेरिका, ब्रिटेन ये प्रेशर लगाएंगे किस चीज के ऊपर, कनाडा के ऊपर। रीजन क्या है कि अगर कनाडा को ज्यादा छूट दिया जाएगा तो इंडिया, चाइना, रसिया और ये ईरान, ये आपस में ज्यादा करीब आएंगे, जिससे कि अमेरिका को भी काफी ज्यादा दिक्कत होगा, यूक्रेन की लड़ाई वगैरह में भी बहुत दिक्कत होगा। हालांकि यूक्रेन की लड़ाई कुछ दिन की मेहमान है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप आएंगे यूक्रेन को दी जाने वाली सारी मदद राशि को वापस ले लेंगे, उधर रसिया उनका बैंड बजा देगा। लेकिन हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद इसराइल को भी खुली छूट मिल जाएगी, उसके बाद गाजा पे हमला तो हो ही चुका है, अब लेबनान पे भी हो जाएगा और हो सके तो ईरान पे भी हो जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो
ओपनली कह चुके हैं इसराइल से कि ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वहां पर अटैक किया जाए, ये वाला चीज आप समझ गए होंगे। और जो बिहार दरोगा में ऑलरेडी बच्चे सेलेक्टेड हैं, इस बार उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप 15 साल ड्यूटी करेंगे तो डीएसपी बनेंगे, 15 साल एकदम रगड़ के एकदम हालत खराब हो जाएगा तब, और आप लोग के लिए बढ़िया मौका है एक ही बार प्रमोशन के लिए, क्योंकि इस बार बीपीएससी में 2000 से प्लस सीटें हैं, यहाँ पर इतना सीट कभी नहीं दिया था, लगभग 250 डीएसपी की सीटें हैं, तो जिन लोग का है यहाँ पर तो उनके लिए एक अलग से हम लोग एक ड्रॉ कर रहे हैं, ताकि वो लोग कैसे तैयारी करेंगे अपने ट्रेनिंग के दौरान। तो जो सेलेक्टेड हो गए हैं बच्चे, वो सारे बच्चे जो सीरियस हैं आगे बीपीएससी में बैठने के लिए, तो वो लोग कल यानी मंडे के दिन 21 तारीख को, कल मंडे है 21 तारीख है, तो कल 21 तारीख को शाम को सेंटर पे आएंगे, उन्हें सारा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, आंसर राइटिंग दी जाएगी, कितनी चीजें लगभग 30 से 40 के आसपास में किताबें, स्टडी मटेरियल, आंसर राइटिंग, और उन सब का एक अलग ग्रुप रहेगा जिसमें कि उसे उसी हिसाब से सिलेबस डिजाइन किया गया है कि वो ट्रेनिंग में रहने के दौरान भी पढ़ सके यहाँ पर, क्योंकि जो यहाँ पे हम लोग रेगुलर बैच में पढ़ा रहे हैं तो हम लोग ये सोच के पढ़ाते हैं कि बच्चों के पास 8 घंटा 10 घंटा टाइम है पूरा पढ़ने के लिए, तो लेकिन आप ट्रेनिंग में रहेंगे आपकी ट्रेनिंग टफ होगी और आपको फुर्सत भी नहीं मिलेगा, तो उसी हिसाब से इसे ड्रॉइंग किया गया है कि अलग अलग सिलेबस को कैसे कैसे देखा जाए, आंसर राइटिंग को कैसे मिला जाए। और वहां पे आप लोग आंसर राइटिंग जमा करके संडे के दिन आपकी छुट्टी रहती है, आप भेज सकते हैं, कॉपी भी चेक हो जाएगी, सारी फैसिलिटी रहेगी। तो 21 तारीख को 21 अक्टूबर मंडे इवनिंग में आप सेंटर पे आएंगे, सबको इनरोल करके अपना फॉर्म भर दीजिएगा वहां पर, ये चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम बस ये कोशिश कर रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया, इसी साल हुआ है, 10-15 साल घसीटिएगा तब जाके कहीं डीएसपी बनिएगा यहाँ पर। तो अगर आपके अंदर मोमेंटम अभी है और पढ़ना चाहते हैं तो और आगे जाके आपके पास ये गोल्डन चांस है, क्योंकि इतनी सीटें फिर कभी नहीं आएंगी। और अगर जो आगे नहीं भी करना चाहते हैं तो बेस्ट ऑफ लक, आपके पास ऑलरेडी डबल स्टार है। आई होप आप टॉपिक को समझे होंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।